गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दुलार चंदास स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दुलार। आप स्क्रीन पे जैसे कि देख रहे हैं, क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ है, एक्सरसाइज 16 है। अक्सर बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर, बड़े नंबर का जो डिवाइड होता है वो बनाने में काफ़ी दिक्कतें होती है, काफ़ी मुश्किलें होती है। वो जानते हैं फिर भी वो बनाने में कई बार गलती करते हैं, तो किस प्रकार से आसानी से बना सकेंगे, तो आइए मैं आप लोगों को बनाकर दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, डिवाइड में समय लगता है, तो आप लोग पेशेंस रखेंगे। आइए मैं बना के दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 मैं बना रहा हूँ, 16 से डिवाइड करना है, मैं बताते हुए बना रहा हूँ। 35, 70, 61 इसको डिवाइड करेंगे। 16 का टेबल अगर जो बच्चे नहीं जानते हैं उन्हें याद कर लेना चाहिए। 16 × 2 = 32 होता है, तो इससे ज़्यादा भी जाने वाला नहीं है, 35 है, बिल्कुल आसपास में है, तो 2 बार में इसको ले जाते हैं। 16 × 2 = 32 माइनस करते हैं, 3 आएगा, इसको कट जाएगा ये 7 नीचे, फिर लगभग उतना ही है। 35 यहाँ पे था और यहाँ पे 37 है, तो फिर 2 बार में जाएगा। 32 माइनस करते हैं, 5 ये कट जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ 16 × 3 = एक स्टेप ज़्यादा बढ़ते हैं, 16 × 3 = 48 होता है, तो उतना ही जाएगा, बिल्कुल आसपास में है। 16 × 3 = 48, 2 कट गया, फिर ये 6 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और 16 × 2 = 32 होता है, देख रहे हैं आप लोग, तो 32 से ये कम है इसलिए 1 बार में ही जाएगा। 16 × 0 = 1 और ये 1 ऊपर से नीचे। अब 16 का टेबल में 101 लाना है, तो 16 का टेबल अगर आप जानते हैं तो 16 का टेबल 6 बार में 96 आ जाएगा, तो 6 बार में ही जाएगा, उससे ज़्यादा अगर जाते हैं तो इससे अधिक हो जाएगा। 96 यहाँ पे 5 और ये कट जाएगा। कोसेंट के लिए क्यू लिखेंगे, 22316 और रिमाइंडर के लिए आर लिखेंगे, ये 5, ये दोनों ही इसके आंसर हो जाएगा। एक वीडियो में कोशिश करेंगे कि 2 क्वेश्चन हम बनाते हैं। वीडियो लंबी होगी, आप लोग थोड़ा पेशेंस रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को दिख रहा होगा, 79 से डिवाइड करना है, 72, 80, 23, ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है, 79 को इस तरह के बड़ा डिवाइड बनाने के लिए एक अंदाज़ा लेकर चलना पड़ता है। 79 लिखा हुआ है, 79 का टेबल आप तो जान नहीं सकते हैं, संभवतः किसी को याद नहीं होगा, लेकिन एक अंदाज़ा लेंगे, इसको 80 मान के चलेंगे। 72 है, यहाँ इससे कम है, तो निश्चित रूप से ये 3 डिजिट में जाएगा, तो 80 मान के चलेंगे, तो 8 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो 80 का टेबल का पता हमको चल जाएगा। तो 8 का टेबल में 8 × 64, 8 × 9 = 72, तो 8 × 9 = 72 मतलब 700 से ज़्यादा आएगा, उसमें आ जाएगा 80 का टेबल में, लेकिन ये 80 का टेबल नहीं है, 79 है, इसीलिए हम लोग चेक कर लेंगे, इसको चेक करेंगे। 79 का टेबल 9 बार में क्या आएगा, 9 × 9 = 81, 8 बज गया, 9 × 7 = 63 और 8 = 71,
निश्चित रूप से इतना ही जाएगा, क्योंकि किसी भी टेबल को हम 10 बार पढ़ के डिवाइड नहीं दे सकते, उसको 9 बार तक ही दे सकते हैं। तो 9 बार में हम इसको ले जाते हैं 711, इसको 8 में 17 और 2 में 11, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे 0 और 8 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं 2 बार तो 16, मतलब 160 का टेबल में, तो 79 का टेबल में 2 बार निश्चित रूप से कम होगा। तो 79 टू जा 9 टू जा 18, 1 हाथ में 1 बच गया, 7 टू जा 14, 15 79 टू जा 158, इतना ही बार में जाएगा क्योंकि ये आसपास में है। अगर इससे ज़्यादा जाते हैं तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, इसको 3 बार में देख सकते हैं। 9 3 जा 27, 7 हो गया 2 बच गया, 7 3 जा 21, 22 23 3 बार में 237, मतलब अधिक आ जा रहा है, तो 2 बार में हम लोग ले जाएंगे इसको 158। 2 यहाँ पे 6 हो गया तो 5 1 कट गया, ये 2 यहाँ पे आ गया। अब देख पा रहे हैं कि 3 बार में जाएंगे तो 200 और 2 बार में जाएंगे तो 158, तो ये 2 बार में भी नहीं जा सकता। तो 1 बार में जाएंगे तो 1 बार में 79, 12 हो गया, 9 3 1 हो गया, 11 7 4 ये कट गया, और यहाँ पे 3 ऊपर से नीचे। 8 का टेबल अगर हम लोग पढ़ते हैं तो 8 5 जा 40 8 6 जा 48, 8 8 6 जा 48, तो 8 5 जा 40 400, तो इसमें भी ऑलमोस्ट 400 आना चाहिए। तो 79 को 5 बार में हम लोग ट्राई करते हैं, 79 5 5 45 9 5 जा 45, 4 बच गया, और 7 5 जा 35 35 और 4 39, 79 5 जा 5 बार में ये 395 जाता है। और अगर इससे ज़्यादा हम ट्राई करके देख लेते हैं एक बार, 6 बार में 9 6 जा 54, 5 बच गया, 7 6 जा 42 42 और 5 47, मतलब बहुत ज़्यादा चल जा रहा है। तो 5 बार में लेंगे 5 7 3 95 माइनस हो गया 13 में 5 8 2 12 हो गया, यहाँ पे 12 में 9 3 कट गया। कोसेंट 9 215 और रिमाइंडर 38, ये दोनों ही इसका आंसर होगा। इस वीडियो में इतना ही, और इसके आगे अगली वीडियो में चलते हैं हम लोग।